हाय एवरीवन, तो मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। शाम का वक्त, मैंने सोचा कि आज मेरा इवनिंग से नाइट का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। व्लॉग बिना इस बदमाश के बदमाशी को दिखाए कैसे स्टार्ट हो सकता है, तो आप खुद ही देख लीजिए। ये गाड़ी चलाती नहीं है, गाड़ी उड़ाती है। किसी ने बोला था वंदे भारत ट्रेन चला रही है, सही कहा था। सीधे चलते किचन की तरफ। मैंने कुछ कुछ प्रिपरेशन करके रखा है यहाँ पे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लग जाते हैं रात के खाने पे, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया है जल्दी खाना, मतलब अर्ली डिनर जिसे बोलते हैं। 8 से 8:30 के बीच कर लेते हैं डिनर, स्टार्ट किया है, देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बना। तो उसको तो मैंने मैरिनेट करके रख लिया, अब चलते हैं आटा गूंदने की तरफ। ताप्ती माँ की कुछ नो। इसी चीज़ का डर था कि कब से ये दीवार पे लिखना शुरू करे, अब इसने कर भी दिया। और हमेशा की तरह मैडम आ चुकी है मेरी हेल्प के लिए। आज डिनर में था चिकन, जो कि एकदम बन गया है एज हम लोग जैसा सोचे थे। तो यहाँ मैं पूरी छानूंगी अब। और ये बन गया मेरा पूरी टन, एकदम सारे के सारे पूरे फूले हैं। इसका मतलब आटा अच्छे से गुथा गया था। फिर चलते हैं डिनर कर लेते हैं। 8 से 8:30 के बीच 8:25 हो रहा है, तो जल्दी कर लेना पड़ेगा हमें, फिर तो प्राप्ति को भी खिलाना है। तो यहाँ डिनर विनर सब हो गया है, प्राप्ति को भी खिलाना हो गया है। और रात में मैंने कपड़े धोने के लिए रखे थे, तो उसी को मैं सुखा रही हूँ। रात को धो के रख देते हैं ना, तो सुबह तक बहुत सूख जाता है, तो अच्छा रहता है कि सुबह सुबह सब अच्छे से समेट के रख दो। प्राप्ति के साथ थोड़ा खेल रही थी उसके सोने जाने के पहले, क्योंकि उसे जल्दी तो नींद आती नहीं है, तो सोचा ऐसे ही करके थोड़ा नींद दुरुस्त का लाया जाए। फिर याद आया कि आज कुछ कुछ सामान ऑर्डर दिया था जो कि आ चुका है, तो चलो फिर उसे फटाफट मैंने उसके जगह पे भर के रख दिया, ताकि सुबह तक एकदम किचन मेरा क्लीन रहे। सुबह सुबह किचन में आओ और काम स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कि पहले क्लीन करो काम करो फिर काम स्टार्ट करो। मुझे सुबह सुबह एकदम किचन क्लीन पसंद है, और मैं रात को ही सब करके रख देती हूँ।
मेरे किचन में ना मोस्टली आपको कांच के जार ही देखने को मिलेंगे। मुझे अच्छा लगता है वो यूज़ करना, दिखने में भी अच्छा लगता है और यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, पर संभाल के करें तो कर ही सकते हैं। तो बस आज रात का व्लॉग यहीं तक था, अब मैं चलूँगी उसे फ्रेश करूँगी सोने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी जाऊँगी, टाइम 1 घंटा लगता है उसे सोने में, तो उतना जल्दी वो सो जाएगी। और आज चांसेस है वो सो जाएगी, क्योंकि आज उसे वैक्सीन लगा था तो बहुत पहले सो गई थी, फिर बहुत लंबा टाइम वो नहीं सोई है। चलिए देखते हैं। तो फिर अगर इस ब्लॉग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ मेरे अगले ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।